नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन के चटपटे मसालेदार मार्केट स्टाइल सब्जी पकौड़े। इसके लिए ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और इसमें जो मसाले लगेंगे उसमें ये लौंग है 1/4 चम्मच, आधा चम्मच जीरा, धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, हींग 1 चम्मच और 2 चुटकी ये हम ये मीठा सोडा लेंगे। 1/4 चम्मच सौंफ है, नमक स्वादानुसार लेंगे, हल्दी 1/4 चम्मच। ये सब पाउडर फॉर्म में लिए हैं और मैंने काली मिर्च को कूट लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर, जीरा, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च, ये कुटी हुई काली मिर्च है, सौंफ और ये हींग आधा चम्मच ली है और नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक लेंगे। और ये 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और ये 2 चुटकी सोडा लिया है। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो हम आटा लगाएंगे, सॉफ्ट आटा लगाएंगे, बहुत टाइट नहीं मारेंगे इसको। देखिए इस तरह का मर गया हमारा आटा। बस हम इसको मल मल के करेंगे। अब हम पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसको मल के तैयार करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा आटा मर गया है। हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए बेसन हमारा तैयार हो गया है, अब हम बनाना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा लेंगे बेसन और इसको इस तरह से रखते हुए देखिए इस तरह से हम करेंगे इसको। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सभी बना लेंगे। देखिए मैंने सभी सब्जी पकौड़ा बना लिए हैं और इनको फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई और तेल हमारा दोनों गरम है और हम इसमें ये डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे ही हमें तलना है। इसको थोड़ी देर ऐसे चलने देंगे, थोड़ा सा सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। क्योंकि थोड़े सिक गए हैं और हम इन्हें पलट देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें इन्हें सिकना है, नहीं तो ये अंदर तक नहीं सिकेंगे। अभी हमें इसे 1 मिनट तक और चलेंगे धीमी आंच पर ही। ये देखिए हमारे सिक गए हैं और हम इन्हें निकाल देंगे, किनारे करते हुए निकालेंगे जिससे इनका तेल नीचे रह जाए इस तरह से। ये देखिए हमारे चटपटे मसालेदार बेसन के सब्जी पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हैं। हम इसको
प्लेटिंग करेंगे इसकी इस तरह से। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत एकदम बहुत ही टेस्टी। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।